hello friends welcome back to my channel i'm back with another important video of literature and here the work that i have bought today is the spanish tragedy written in the year 1582 and this is very important work written by thomas kite and thomas kite he is very very important part of university wits यूनिवर्सिटी विट्स वो राइटर्स या उन स्कॉलर्स को कहते हैं हु हैज़ कम्प्लीटेड देयर एजुकेशन फ्रॉम सम हायर यूनिवर्सिटी लाइक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी वहाँ से जिन्होंने अपनी एजुकेशन अपनी क्वालिफिकेशन कम्प्लीट करी थी उन ग्रुप ऑफ राइटर्स को हम यूनिवर्सिटी विट्स कहते हैं बट आयरन ही यहाँ पर यह है थॉमस काइड वॉज द ओनली पर्सन हु हैज़ नेवर एवर गोन टू सच हाई यूनिवर्सिटीज़ एंड स्टिल ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लिस्ट Okay, before starting the play, I would like to tell you some important points related to the play. That the play was very first time performed in London's National Theatre in the year 1982. And the second time it was performed in Swan Theatre by the company Royal Shakespeare Company. Okay, this is the name of the company, Royal Shakespeare Company, and uh, in the year 1997.

अब जब डेथ हो जाती है सो so उसके स्पिरिट अंडरवर्ल्ड जाती है अंडरवर्ल्ड इज़ नॉट दैट वर्ल्ड ऑफ क्रिमिनल्स बट अंडरवर्ल्ड इज लाइक लाइक इन हिंदू माइथोलॉजी देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ हेवन एंड हेल। हिंदू माइथोलॉजी में स्वर्ग और नर्क का कॉन्सेप्ट है जस्ट लाइक आफ्टर द डेथ स्पिरिट विल गो ईदर टू हेवन और टू हेल इन द सेम वे दिस द स्पिरिट ऑफ दिस डॉन एंड्रिया इट विल गो टू दिस अंडर वर्ल्ड दिस अंडर वर्ल्ड कैन बी कैन बी रिलेट विद दिस हेल ऑफ द हिंदू माइथोलॉजी ठीक है अंडर वर्ल्ड को हम नर्क से कंपेयर कर सकते हैं सो डॉन एंड्रिया जब इस अंडर वर्ल्ड में एंटर करते हैं सो प्लूटो एंड प्रॉस्पर पाइन प्रोसर पाइन हु आर द किंग एंड क्वीन ऑफ दिस लैंड ऑफ दिस स्परिचुअल प्लेस इन दोनों को कन्फ्यूजन होता है दैट वाई शुड वी अलाउ टू एंटर डॉन एंड्रिया इन आर प्लेस सो वो दोनों क्या करते हैं uh, उससे पूछते हैं डॉन एंड्रिया से उसकी सडन डेथ का रीज़न डॉन एंड्रिया हु हैज बिन डाइड इन टू दिस बैटल फील्ड ही सेल्फ हैव नो आइडिया वाई ही हैज़ बिन डाइड सो वेरी सून उसको खुद ही नहीं पता कि वो क्यों मर गया कैसे मर गया बट अब uh, क्या कर सकते हैं तो फिर प्लूटो एंड प्र, प्रोसर पाइन क्या कर क्योंकि वो दोनों कंफ्यूज हैं सो तो वो एक अनदर स्पिरिट जिसका नाम है रिवेंज उसको डॉन एंड्रिया के साथ उस लिविंग वर्ल्ड में वापस भेज देते हैं जहाँ से डॉन एंड्रिया आया था यानी कि उसी बैटल फील्ड में डॉन एंड्रिया के साथ रिवेंज को जो रिवेंज कोई पर्सन नहीं है रिवेंज एक स्पिरिट है जो कि डॉन एंड्रिया की फ़्रेंड बनकर उसका फ्रेंड बन के इस बैटल फील्ड में वापस आ जाते हैं टू फाइंड आउट द रियल कल्परेट और द रियल मर्डरर्स ऑफ डॉन एंड्रिया सो यहाँ पे जस्ट लाइक एन ऑडियंस ऑडियंस सामने बैठ के प्ले को देखती है बिल्कुल उसी तरीके से डॉन एंड्रिया एंड एंड बेंच ये दोनों उस बैटल फील्ड में आ जाते हैं एंड उस पूरे सिनेरियो को ऑब्जर्व करते हैं कि किसने क्या किया कैसे किया एवरीथिंग थिंग सो क्या होता है उस बैटल फील्ड में लॉरेंजो एंड हॉरेशियो ये दोनों पर्सन मिलकर बेल्थेजार यानी कि नाइट ऑफ़ पोर्टुगल सॉरी हु इज़ द सन ऑफ वाइसर ऑफ पॉर्टल उसको हरा देते हैं इस बैटल में इस वॉर में और उसको अरेस्ट करके अपने कोर्ट में शामिल करते हैं यानी कि स्पेन के कोर्ट में उसको लेकर आते हैं बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये हो जाती है लॉरेंजो हु इज़ द सन ऑफ ड्यूक ऑफ कैस्टाइल ड्यूक ऑफ कैस्टाइल के, के बेटे हैं ये कौन लॉरेंजो उसका कुछ इंटरनल कन्फ्लिक्ट है विद होरेशियो ही डू नॉट लाइक होरेशियो दैट मच एंड होरेशियो इज़ द सन ऑफ मार्शल ऑफ हेरोमिनो हेरोमिनो ठीक है तो जब लॉरेंजो एंड होरेशियो बेल्थेज़ार को पकड़ के ड्यूक ऑफ कैस्टाइल के पास लेकर आते हैं सो तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है कि कौन बेल्थजार को अपने प्रिजन में रखेगा सो तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ड्यूक ऑफ कैस्टाइल क्या करते हैं वो हैशियो को कुछ रेंसम देते हैं और लोरेंजो को कहते हैं कि तुम बेल्थजार को अपने प्रिजन में रखोगे ठीक है सो so, अब लोरेंजो बेल्थजार को ले जाता है अपने जेल में रख देता है इधर इधर लोरेंजो बेल्थजार को अपने प्रिजन में ले ही जा रहा होता है वहीं बेल्थेजार बेल एम्पीरिया को देखते हैं अब ये बेल एम्पीरिया कौन है शी इज़ द डॉटर ऑफ ड्यूक ऑफ कैस्टाइल ऑफ स्पेन ठीक है बेल एम्पीरिया ड्यूक ऑफ कैस्टाइल की बेटी है ऑल्सो शी वॉज इन मैडली इन लव विद डॉन एंड्रिया डॉन एंड्रिया से बहुत प्यार करती थी कौन बेल एम्पीरिया सो so, इसको जब बेल्थेजार देखता है ही इंस्टेंटली फॉल फॉर हर एंड ही वॉन्ट्स टू मैरी हर एज सुन एज पॉसिबल सो so, वो अपने सो तो उससे शादी करने के लिए जब वो बेल एम्पीरिया के पास जाता है जब उसको उसको प्रपोज़ करने के लिए उसके पास जाता है तो उसे पता चलता है कि बेल एम्पीरिया क्यों अब हरैशियो से प्यार करती है हॉरीशियो से क्यों प्यार करती है क्योंकि हॉरीशियो इज़ द वन हु हैज़ एक्चुअली अरेस्टेड द रियल कल्प्रिट ऑफ हर बिलव यानी कि हरैशियो ने डॉन एंड्रिया के रियल मर्डरर यानी कि बेल्थजार को अरेस्ट किया था इसलिए अब बेल एम्पीरिया होरेशियो से भी प्यार करने लग गई है होरेशियो से बहुत प्यार करती है वो सो so, बेल्थेजार को जब ये बात पता चलती है वो क्या करता है लॉरेंजो को भड़काना शुरू कर देता है अगेंस्ट हॉर्शियो वो उसको बताता है कि देखो बेल इम्पीरिया बीइंग द प्रिंसेस ऑफ योर कंट्री ऑफ योर किंगडम शी इज़ मैडली इन मैडली इन लव विद विद अ मैन हु इज़ द सन ऑफ सिविल सर्वेंट ऑफ योर कंट्री सो दिस इज़ जस्ट लाइक अ बिग स्टिग्मा टू योर किंगडम तो बेल्थेजर लॉरेंजो को ये भी बोलता है कि देखो तुम्हारी बहन होरेशियो से जो कि सिविल सर्वेंट का एक बेटा है एक नौकर का बेटा है एक सर्वेंट का बेटा है उससे प्यार करती है सो देखो ये कितना बड़ा स्टिग्मा है तुम्हारे तुम्हारी किंगडम की रेपूटेशन पर कितनी इंसल्ट होगी कि प्रिंसेस होकर सर्वेंट के बेटे से प्यार करती है तो इस तरीके से बेल्थेज़ार लोरेंजो को अच्छे से भड़का देता है अगेंस्ट होरेशियो। सो so, लोरेंजो एंड बेल्थेज़ार मिलके क्या करते हैं ये एक प्लान बनाते हैं टू तो किल होरेशियो एज वेल इन्होंने डॉन एंड्रिया को भी मर्डर किया था द सेम वे ये हॉरेशियो का भी मर्डर करवा देते हैं लेकिन कैसे विद दी हेल्प ऑफ पेड्रीनो पेड्रीनैनो लॉरेंजो का सर्वेंट है ये इसको बोलते हैं कि जाके होरेशियो का मर्डर कर दो अच्छा अब जब पेड्रीनैनो होरेशियो का मर्डर करने जाता है तो एट द सेम टाइम होरेशियो वाज देयर अलोंग विद हिज सर्वेंट सर्ब्राइन ठीक है सरब्राइन के साथ वहीं पर था सरबराइन होरेशियो का ही सर्वेंट है सो so, पेड्रीनैनो जब होरेशियो का मर्डर करता है तो सर्बराइन इस मर्डर को होते हुए देख लेता है जिसके चलते पेड्रीनैनो को आगे चलकर प्ले में सर्ब्राइन का भी मर्डर करना पड़ता है अच्छा इधर अलेगजेंड्रो और विलुपो इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट बेल्थेजार जो कि इस वॉर के बाद उसका क्या हाल होता है अलेक्ज़ेंड्रो और विलुपो आके वायसरा वायसराय ऑफ पोर्टुगल को बताते हैं कि कैसे उनके बेटे की डेथ हो गई है अलेक्ज़ेंड्रो कहता है कि बेल्थेजार की डेथ नहीं हुई है उसको जस्ट अरेस्ट करके स्पेन के कोर्ट में पेश किया गया है वही विलुप्पो उसकी डेथ को कंफर्म करके कहता है कि नहीं बेल्थेजार की तो डेथ हो चुकी है अब इन दोनों की इस इन्फॉर्मेशन से वायसराय ऑफ पोर्टुगल ही गेट अगेन कंफ्यूज अब वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं अलेक्जेंड्रो और विलुप्पो दोनों को ही जेल में डाल देते हैं लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि बेल्थेजार तो जिंदा है और उसको एक्चुअली में कोर्ट में ही डाला गया है कोर्ट में ही पेश किया गया है और उसको वहाँ के प्रिजन में डाल दिया गया है तो वो विलुपू को भी सेंटेंस ऑफ़ डेथ देते हैं एंड एलेक्जेंड्रो फाइनली सेंटेंस ऑफ डेथ मिलने से बच जाता है लेकिन इधर क्योंकि होरेशियो का भी मर्डर हो चुका है और इस मर्डर के बारे में बेल इम्पीरिया को ऑलरेडी पता लग चुका है सो so लोरेंजो क्या करता है बेल एम्पीरिया को जेल में डाल देता है लेकिन जेल में जाने से पहले ही बेल क्या करती है वो एक अपने खून से एक लेटर लिखती है टू तो हेरोमिनो हैरोमिनो कौन है ही इज़ द फादर ऑफ होरेशियो एंड इज़ाबेला शी इज़ द मदर ऑफ होरेशियो हरेशियो तो जब इन दोनों को इन दोनों को पता लगता है कि उनके बेटे की डेथ हो चुकी है सो ऑफ कोर्स बीइंग अ पेरेंट्स इनको बहुत बुरा लगता है दे बोथ गेट मैड इजा शी एक्चुअली लूज हर कॉन्शियस वो तो यू uh, नो you know, वो बिल्कुल मेंटली unstab, अनस्टेबल हो जाती है पागल हो जाती है वो सडनली ये बात सुनते हैं कि उसका बेटा मर चुका है वहीं हेरोमिनो भी इक्वली रेस्टलेस है एंड स्पेशली जब उसको वो लेटर मिलता है जिसमें ब्लड से बेल इम्पीरिया ने लिखा है कि हॉरेशियो uh, का मर्डर लॉरेंजो और बेल्थेजार ने किया है तो वो पागल हो जाता है गुस्से में एंड ही वॉन्ट्स टू टेक रिवेंज ऑफ डेथ ऑफ ए सन एज सोन एज पॉसिबल तो वो ये बात ड्यूक ऑफ कैस्टाइल को बताने जा ही रहा होता है कि लॉरेंसो को लॉरेंसो तभी रास्ते में आ जाता है और वो हैरोमिनों के इस सडन चेंज इन बिहेवियर से थोड़ा अफेक्ट हो जाता है उसको फील होता है कि ही इज़ बिहेविंग समथिंग इन अ वेरी वियर्ड वे सो उसको जब उसका बिहेवियर समझ में आता है उसको पता लग जाता है कि हेरोमिनो को पता लग चुका है कि किसने होरेशियो का मर्डर किया है तो वो जाके सच ना बता दे ड्यूक ऑफ कैस्टाइल को लोरेंजो हेरोमिनो को जाने से रोक लेता है इधर बेल की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए वो वो बेल इम्पीरिया और बेल्थेजार की शादी भी डिसाइड करता है कि ये इन दोनों की शादी करवा देता हूँ तो ये मैटर अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा और एक पीसफुल सेटलमेंट हो जाएगा किसके पोर्टुगल और स्पेन के बीच में तो इधर वो इन दोनों की शादी फिक्स करता है और इधर हेरोमिनो लोरेंजो और बेल्थेजार से अपना बदला लेने के लिए अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए वो और भी ज़्यादा रेस्टलेस हो रहा है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है सो वो क्या करता है एक प्लान बनाता है क्योंकि बेल एमपीरिया और बेल्तजार की शादी फिक्स हो गई है सो तो जै जैसे ही वो मैरिज सेरेमनी स्टार्ट होती है जस्ट बिफोर दैट बेल एम्पीरियाल पॉइजन लेकर सुसाइड कर लेती है क्योंकि वो इस शादी को किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहती थी शी वॉज मेडली इन लव विद डॉन एंड्रियो विद डॉन एंड्रिया एंड आफ्टर हिज डेथ ही शी वॉज इक्वली इन लव विद हरेशियो लेकिन क्योंकि हरेशियो को भी मार दिया है तो वो भी uh, अब बिल्कुल खुश नहीं है एंड शी इड सेल्फ वॉन्ट टू डाई इसीलिए वो पॉइजन लेकर सुसाइड कर लेती है वो किसी भी कीमत पर होरेशियो के मर्डरर से तो बिल्कुल शादी नहीं करने वाली इसलिए वो मर जाती है लेकिन हेरोमिनो क्या प्लान बनाता है वो इस uh, मैरिज सेरेमनी में एक प्लॉट इन द प्लॉट सेट करता है प्लॉट इन द प्लॉट द सेम कॉन्सेप्ट हैज़ बीन यूज्ड बाय हैज़ बीन यूज्ड इन द प्ले हैमलेट रिटर्न बाय शेक्सपियर ओके इस कॉन्सेप्ट का यूज़ ही इस प्ले से किया गया था प्लॉट इन द प्लॉट सो इन द सेम वे यहाँ पर भी uh, हेरोमिनो एक प्लॉट डिसाइड करते हैं इस शादी में और इस प्लॉट में छोटा सा सेंट्रल आइडिया ये है कि एक लव ट्रायंगल बताया गया है सुल्तान जो कि हु इज़ मैडली इन लव विद अ गर्ल एंड उस लड़की को पाने के लिए वो अपने बेस्ट फ्रेंड का मर्डर करवा देता है ठीक है सो so ये एक छोटी सी सेंट्रल थीम है उस प्लॉट की जो कि इस मैरिज से मैरिज सेरेमनी में प्ले किया जाता है ठीक है सो so अब इस प्ले को जब कंडक्ट किया जाएगा सो so हैरोमिनो उस मर्डरर का रोल प्ले करते हैं जो कि सुल्तान जिसको हायर करता है अपने बेस्ट फ्रेंड को मर मरवाने के लिए वहीं एक और गर्ल वो पर्सन जो उस बिलव्ड का रोल प्ले कर रही है वो दोनों ये दोनों मिलकर लोरेंजो एंड बेल्थेजार का जो कि एक्चुअली में एक प्ले चल रहा है लेकिन रियलिटी में इन दोनों का मर्डर कर देते हैं हेरोमिनो लोरेंजो का मर्डर कर देता है और जो वो बिलव थी जो कि उस बिलव्ड का रोल प्ले कर रही थी इस प्ले में वो पर्सन बेल्थेज़ार का मर्डर कर देती है इस प्ले में वहीं सामने ऑडियंस भी बैठी हुई है उन दो ऑडियंस को लगता है कि ये एक्चुअली में एक्टिंग कर रहे हैं ये प्ले चल रहा है बट इन रियलिटी हेरोमिनो हर, एंड उलव ने उन दोनों ने इन दोनों रियल कल्परेट्स यानी कि लॉरेंजो एंड बेल्थेजार का रियलिटी में मर्डर कर दिया है इस प्ले के अंदर अंदर ही अच्छा अभी भी सबको लग रहा है क्योंकि कि ये एक्टिंग ही चल रही है सो हेरोमिनो सामने आते हैं और वो आके इस चीज़ को कन्फेस्ट करते हैं कि ये मैंने यहाँ कोई एक्टिंग नहीं चल रही है और इस प्ले के दौरान मैंने सच में लॉरेंजो और बेल्थेजार का मर्डर करवा दिया है और ये दोनों सच में मर चुके हैं ऑडियंस ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती है इस न्यूज़ पर ठीक है सो so हैरोमिनो अब क्या करते हैं कि इससे पहले लोग उन्हें पकड़े ड्यूक ऑफ कैस्टाइल उन्हें पकड़े वो अपनी आ, अपनी जेब से नाइफ़ निकालते हैं और अपनी टंग काट लेते हैं ताकि कोई उनसे सच ना बुलवा सके आगे का उनसे सीक्रेट ना निकलवा सके इसलिए वो इंस्टेंटली अपनी टंग कट कर लेते हैं वहीं ड्यूक ऑफ कैस्टाइल जैसे ही हेरोमिनो के पास आते हैं वो बहुत चलाकी से ड्यूक ऑफ कैस्टाइल का भी मर्डर कर देते हैं उनको भी स्टैप कर देते हैं एंड दैट्स वाई इन द एंड एवरी वन डाइज इन दिस प्ले ठीक है नैनो ने ऑलरेडी सरब्राइन का भी मर्डर कर दिया है क्योंकि उसने अपने मालिक का मर्डर होते हुए देखा था एंड इस सच को छुपाने के लिए लॉरेंजो ने ऑलरेडी नैनो का भी मर्डर करवा दिया था सो दिस इज ऑल द समरी ऑफ द प्ले जिसमें थ्रू आउट द प्ले ब्रूटल मर्डर्स होते हैं एंड सुसाइड्स uh, होती हैं सुसाइड इज़ डन बाय बेल इम्पीरिया एंड बेल इम्पीरिया आई वुड लाइक टेल यू वन मोर थिंग थ्रू आउट द प्ले बेल इम्पीरिया अकेली ऐसी कैरेक्टर है जो सबसे ज़्यादा ट्रेजिडी झेलती है इस प्ले में बिकॉज शी वॉज मेडली इन लव विद डॉन एंड्रिया एंड जस्ट आफ्टर हिज डेथ शी वॉज अगेन इक्वली लव विद होरेशियो लेकिन क्योंकि होरेशियो को भी मार दिया गया है और ऊपर से उसकी शादी उसके ही कल्प्रेट से उसके मर्डरर से ही करवाई जा रही है सो ऑल ओवर द प्ले उसको एक बहुत ही टेंस सिचुएशन फेस करनी पड़ती है सो दैट्स ऑल वट दैट्स ऑल वट द That's all what the play is all about. Friends, if you like my video, please like and subscribe my channel. And if you have any feedback or complaint or anything you want to say about my video, please let me know in my comment section. Thank you very much. Bye. Take care and bye bye.